तो सभी का होपफुली जितना हो। बहुत अच्छा लग रहा है पेशन पार्टी जी, हम तो पहली बार यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग यहाँ पे आके मिल रहा है समाज में। आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, और हम आज खड़े हैं लाइन्स क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन्स में, जहाँ पे समरेश घोष मेमोरियल सिटीजन्स लाइन्स सर्विस सेंटर के सौजन्य से यहाँ पे हेल्थ चेकअप, वृक्षारोपण और भोजन करवाया गया है। इसी से जुड़ा हुआ हम आइए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, यहाँ के पदाधिकारियों से आपको परिचय करा करके वो आपको डिटेल बताएंगे कि क्या क्या था और कैसे कैसे यहाँ पे प्रोग्राम संपन्न हुआ। आप सबका दिन शुभ हो, और हमारे समस्त टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। कोई प्रॉब्लम भी है? बहुत लोग आए थे जो कुछ प्रेग्नेंट है, कुछ जैसे एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, कुछ मेनोपॉजल वेमेन है, तो डिफरेंट एज ग्रुप के पेशेंट्स आए थे और उनके प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट टाइप ऑफ थे। तो सभी का होपफुली जितना हो सकता था, इतना छोटा सा टाइम में तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम डिटेल में देखें और सारे टेस्ट करें और यू नो, तो इट्स नॉट पॉसिबल, पर जितना हो सकता था इतना छोटा टाइम में मैंने अपना सर्विस दिया और मैंने देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैम आपका नाम और डेजिग्नेशन? हाँ, मैं डॉक्टर तवामी चौधरी हूँ, मित्रा नर्सिंग होम से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। एंड हम देखिए भीषण ही अभिभूत हो गए, सब रकम पेशेंट इसे प्रेगनेंट, যাদের কোনো গাইনোকোলজিক্যাল সমস্যা আছে, পিরিয়ডের সমস্যা আছে, আবার যাদের পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে, মেনোপজাল উইমেন, সব রকমের পেশেন্টরাই আজকে এসেছিলো। আজকের ক্যাম্প ভীষণ ভালো হয়েছে, এত পেশেন্ট এসেছে, আর আমিও আমার সার্ভিস দিতে পেরে ভীষণই নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করছি। থ্যাংক ইউ। स्वागत है सर द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, मैं पंकज। सर किस टाइप का यहाँ पे आज रेस्पॉन्स रहा? रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, पेशेंट पार्टी जितने भी पेशेंट लोग थे उनसे बहुत अच्छा प्यार मिला, हम लोग उनको देखे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बातें भी की उनसे, बहुत अच्छा लगा। सर बाय द वे किस डिजीज के ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पे? मतलब ये अब वीकनेस वगैरह, लो बैक पेन वगैरह, साथ में कोमोर्बिड कंडीशन लाइक हाइपरटेंसिव, डायबिटिक पेशेंट, ये सब मिले हैं मतलब, और उनको मतलब कि बताया भी किस हिसाब से रहना है, किस हिसाब से लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, किस हिसाब से अपने को डिजीज से फर्दर बचना है, किस हिसाब से डाइट में मॉडिफिकेशन करना है कि वो फ्यूचर में कोई डिजीज ना हो। सर अभी जैसे कि एक प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रहा है सोसाइटी में, आँखों का प्रॉब्लम, हाँ उसके लिए बचने के लिए जैसे मैंने बोला है कि मान लो जो ग्लासेज वगैरह यूज करें, और उनको मतलब कि एक एंटीबायोटिक वगैरह ये सब चीज़ प्रिवेंशन के लिए बताएं, अच्छे से हैंड वॉशिंग करें, बार बार आंखों को टच ना करें, ये सब चीज़ हम लोगों ने बताया। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर आसिफ खान, MBBS जनरल फिजिक्स। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हमारा तीसरा साल है जो हम लोग मेगा हेल्थ चेकअप करते हैं, ये हमारी एक प्रेमाइस है, और इसमें हमारी कोशिश रहती है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे पेडियाट्रिशियन हो गए, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, इंटरनल मेडिसिन हो गए, MD मेडिसिन हो गए, फिर आई स्क्रीनिंग हो गए या डेंटल चेकअप कैंप हो गए, इनमें से तीन या चार डॉक्टर हम लोग लेके आते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि प्रिलिमिनरी जो भी कोई अगर किसी की बीमारी हो तो वो पकड़ाई में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे पूरी टेस्टिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन प्रिलिमिनरी अगर पकड़ाई में आ जाए तो क्या होता है कि आगे उस पेशेंट को सुविधा हो जाती है। क्या क्या सेवाएँ दी जा रही है? क्या क्या सेवाएँ यहाँ पे जितनी हम लोग की संभव होती है कि दवाई जितनी होती है वो हम लोग फ्री कर देते हैं, और आई स्क्रीनिंग में हम लोग की कोशिश ये होती है कि अगर किसी का ऑपरेशन अगर होना हो तो वो हम लोग जो है रिकमेंड कर देते हैं, हमारे दूसरे जो टाइम्स क्लब है वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनका ऑपरेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज वो स्वतंत्रता दिवस है, उसको लेकर क्या कहा? इसमें ये कहेंगे कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी थी उसको हम लोग जो है बचाए रखें, और जितनी हमारे तरफ से कोशिश होगी हम जो है सेवा जो है हमारे क्लब की तरफ से हम उपलब्ध कराते हैं। मेरा नाम मनीष अग्रवाल, सेक्रेटरी लाइन्स क्लब ऑफ सिलीगुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, मैं पंकज। तो सर आज किस तरह का रेस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है? यहाँ पे तो अच्छे रेस्पॉन्स है, बहुत भीड़ है जी। लोग तो पहली बार यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग यहाँ पे आके, क्योंकि पेशेंट लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ ठीक है। हम लोग अच्छा लग रहा है, यहाँ का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है। सर मैम अभी एक चीज़ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है समाज में, आँखों का समस्या ज़्यादातर आ रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या इस तरह का पेशेंट्स आपको भी यहाँ पर देखने को मिला क्या? तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे पेशेंट्स को जो अभी इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? अगर कैटरेक्ट पेशेंट है तो हम कैटरेक्ट टेरिज्म है तो आप हॉस्पिटल में भेजें, ऑपरेशन करना पड़ता है रखते हैं, एक मंथ में अगर जाएंगे तो फ्री में हो जाता है ऑपरेशन पूरा। अच्छा, तो वहाँ पर अगर आप रहेंगे तो वहाँ पर खाना भी फ्री में मिलता है। तो हम लोग पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि एक मंथ के लिए वहाँ पर ऑपरेशन के लिए जाए, जिन लोगों का कैटरेक्ट है या ट्राइजियम है उन लोगों को। मैम अभी जो आंखों का लाल होना अभी देख रहे हैं ना, तो ये ऐसे केसेस में डॉक्टर साहब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन पेशेंट्स को? मैं बोलूँगा कि जो अगर साफ साफ रहना चाहिए, अगर किसी का हो रहा है तो उनको सनग्लास यूज़ करना चाहिए, तुरंत अपने बगल में किसी डॉक्टर के पास है तो जाना चाहिए, ठीक है। और फैमिली में जो है उन लोगों से दूरी बनाना चाहिए, मतलब कोई एक ही सामान एक दूसरे का नहीं यूज़ करना चाहिए, तो ऐसे क्या होता है स्प्रेड होता है वो चीज़, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी चाहिए तो आई हॉस्पिटल में आकर चेक करना चाहिए। आपका नाम डिजिग्नेशन? मेरा नाम काजी एम डी मुशरफ है, मैं लायंस क्लब में इंटर्न हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मैम आपका नाम और डिजिग्नेशन एक बार बोल दीजिए। मैम आपका? मेरा नाम रोजालिन बोलते हैं, मैं भी मतलब सिलिंग में इंटर्न कर रही हूँ। आप सभी को मेरे पूरे टीम के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या समस्या हुआ था आपको पीठ का, पेट का? तो डॉक्टर बाबू से आप मिले हैं, क्या बोले डॉक्टर बाबू आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आप घबराइए मत, ठीक हो जाएंगे, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा। चलिए, क्या नाम है चाची का? ठीक है चाची, क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा दीदी, तो क्या समस्या रहा आपका? गायनो डॉक्टर से दिखाना था, तो क्या प्रॉब्लम हुआ है आपको? पेट का प्रॉब्लम। यहाँ के डॉक्टरों से मिलके बातें करके आपको कैसा लगा? चलिए आपका सिचुएशन प्रॉब्लम जो भी है जल्दी ठीक हो जाए, मैं यही ऊपर वाले से विनती करूँगा, धन्यवाद। क्या दिक्कत है आपको? चोकेर समस्या हो छे। क्या नाम है आपका और ये कौन सा जगह है? तो आपका घर यहीं पे है, तो आप डॉक्टर बाबू से मिले अभी तक? तो आप लाइन में लगे हैं, कितना नंबर है आपका? चलिए मैं ऊपर वाले से विनती करता हूँ आपका समस्या जल्दी ठीक हो, मिलिए डॉक्टर बाबू से। आप लोग सभी डॉक्टर बाबू से मिलने के लिए लाइन में खड़े हैं ना? चलिए, क्या आंखों का समस्या है? ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में मैं पंकज। तो आज आप लोगों का कैसा रहा हेल्थ चेकअप प्रोग्राम का जो आयोजन किए थे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हम लोग आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहाँ पर लायंस क्लब ऑफ सीनियर सिटीजंस के सारे सदस्य मौजूद हैं, और लगभग 27 साल हम लोग के क्लब को हो गए हैं। पिछले 10 वर्षों से हम लोग यहाँ पर रेगुलर कैंप कर रहे हैं, और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ये 15 अगस्त 2021 में इसका अनावरण हुआ था। यहाँ पर आज मेगा हेल्थ चेकअप कैंप हुआ है, जिसमें लगभग 350 से ऊपर पेशेंट बेनिफिट हो चुके हैं,
इसके अलावा हम लोग यहाँ पर आज ट्री प्लांटेशन का भी काम किए हैं और अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन भी किए हैं, प्लस फूड फॉर ऑल भी एक प्रोजेक्ट हम लोग किए, तो चार कुल मिलाकर चार प्रोजेक्ट हम लोग आज यहाँ पर। वास्तव में इसका क्या उद्देश्य है आप लोगों का? इसका उद्देश्य है कि यहाँ जो लोकल एरिया के जो पीपल हैं वो लोग बेनिफिट हो, उनको इतनी सुविधाएं नहीं मिलती है, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिससे उनको उनकी तकलीफें दूर हो सकती। यहाँ पर तीन फील्ड के डॉक्टर आ रहे हैं, जिसमें एक गायनिक रहे हैं, एक आई की पूरी टीम है और इसके अलावा जनरल फिजिशियन। आपका नाम? मेरा नाम नरेश गिरिया, ये हमारे क्लब के वर्तमान प्रेसिडेंट है लाइन अशोक जैन, बाकी हमारे क्लब के सारे सदस्य हैं। चलिए मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सभी को ढेर सारी